हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मार्केट में अवेलेबल कुछ पॉपुलर कंपनीज के टर्म इंश्योरेंस। अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि टर्म इंश्योरेंस LIC का लेना चाहिए या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का। आज समझेंगे इन दोनों ऑप्शंस के फायदे और नुकसान और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। मैंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जिसे आप ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फिनहब को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, किसी भी कंपनी के टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो से पता चलता है कि कंपनी 100 में से कितने लोगों का क्लेम पास करती है। मान लीजिए किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो है 95%। इसका ये मतलब होता है कंपनी के पास अगर 100 क्लेम आते हैं तो वो उसमें से 95 ही पास करती है और बाकी 5 रिजेक्ट कर देती है। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 96% से ज़्यादा है तो आप उस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस बिना किसी डर के ले सकते हैं। इंडिया में ऑपरेट कर रही सभी कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट रेशो IRDAI की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। ये एक गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, आप खुद भी जाकर IRDAI की वेबसाइट पे देख सकते हैं। IRDAI की एनुअल रिपोर्ट 2019 जो कि 16 दिसंबर 2019 को पब्लिश हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आइडेंटिफाई करी है टॉप 6 कंपनीज क्लेम सेटलमेंट रेशो के बेसिस पर। पहली है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, जिसका है 99.03%। दूसरी है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, जिसका है 98.58%। तीसरी है मैक्स लाइफ, जिसका है 98.74%। चौथी है रिलायंस निपॉन, जिसका है 97.7%। पांचवी है टाटा AIA 99.07%। और छठी है LIC ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसका है 97.79%। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी कंपनीज़ का क्लेम सेटलमेंट रेशो 97% से ज़्यादा है। अगर हम प्राइवेट कंपनीज़ के क्लेम सेटलमेंट रेशो को LIC से कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज़ का रेशो तो LIC से भी ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज़ LIC को टक्कर दे रही हैं क्लेम रिलीज़ करने के मामले में। मैंने इस वीडियो में 3 कंपनी की ऑनलाइन पॉलिसी रिव्यू करी है। पहली है मैक्स ऑनलाइन टर्म प्लान प्लस, दूसरी है ICICI प्रूडेंशियल की iProtect स्मार्ट प्लान और तीसरी है LIC की टेक टर्म प्लान। तो चलिए समझते हैं इन सारी कंपनीज़ के प्लान्स डिटेल में। पहला पैरामीटर है एंट्री एज। जनरली सभी कंपनीज़ की मिनिमम एंट्री एज होती है 18 ईयर्स। मैक्सिमम एंट्री एज जनरली होती है 60 साल, पर ICICI में आपको 65 साल तक का भी ऑप्शन मिलता है। अगला पैरामीटर है मैच्योरिटी एज। ज़्यादातर कंपनीज़ की मैच्योरिटी एज होती है 85 ईयर्स, पर LIC में आपको सिर्फ 80 ईयर्स तक का ही ऑप्शन मिलता है। अगला पैरामीटर है सम अश्योर्ड। मैक्स में आपको मिनिमम सम अश्योर्ड मिलता है 25 लाख, ICICI में 10 लाख से भी स्टार्ट हो जाता है और LIC में मिनिमम है 50 लाख। अगला पैरामीटर है पॉलिसी टर्म। मैक्स में ऑप्शन मिलता है 10 से 50 साल तक की पॉलिसी लेने के लिए। यहाँ पर आपको ICICI ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यहाँ मिनिमम पॉलिसी टर्म है 5 ईयर्स और मैक्सिमम डिपेंड करता है मैच्योरिटी एज के ऊपर। यानी कि आप 18 साल की उम्र में अगर पॉलिसी लेते हैं तो आप 85 ईयर्स तक की भी ले सकते हैं, और इसका ये मतलब हुआ कि आपकी पॉलिसी टर्म हो गई 67 ईयर्स की। LIC में पॉलिसी टर्म मिनिमम है 10 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स। अगला पैरामीटर है प्रीमियम पेमेंट। जनरली सारी कंपनीज़ आपको ऑप्शन देती है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली पेमेंट करने के लिए, पर LIC के प्लान में आपको सिर्फ ईयरली और हाफ ईयरली पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। अगला पैरामीटर है पेमेंट टर्म। सारी कंपनीज़ यहाँ पे रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल पे का ऑप्शंस देती है। चलिए अब बात करते हैं राइडर्स के बारे में। राइडर्स जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ और क्रिटिकल इलनेस। मैक्स और ICICI की ऑनलाइन पॉलिसी में दोनों राइडर्स अवेलेबल हैं और LIC की ऑनलाइन पॉलिसी में आपको एक्सीडेंटल राइडर का ऑप्शन मिलता है। इन पॉलिसीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। राम एक पॉलिसी लेता है 1 करोड़ की, जिसका मैच्योरिटी एज है 70 ईयर्स और पेमेंट टाइप है रेगुलर पे, और उसने कोई भी राइडर ऐड नहीं किया है, तो मैक्स में उसका एनुअल प्रीमियम आएगा 10,105, ICICI में 12,500 और LIC में 14,122। श्याम, जिसकी उम्र है 40 साल और वो भी यही पॉलिसी लेता है, तो मैक्स में उसका एनुअल प्रीमियम होगा 16,800 रुपये, ICICI में 19,650 और LIC में 21,700। और अगर वो साथ में 10 लाख का एक्सीडेंट कवर भी लेता है तो मैक्स में उसका एनुअल प्रीमियम होगा 17,617,
आईसीआईसीआई में 20,214 और एलआईसी में 22,360। जैसा कि आप देख सकते हैं इन सभी कंपनीज में मैक्स है सबसे सस्ती, उसके बाद है आईसीआईसीआई। मैक्स से कंपेयर करें तो 40% ज़्यादा महंगी है एलआईसी की पॉलिसी। आप अपना प्रीमियम खुद जाके इन सभी कंपनीज की वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स डालकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। वो अपने पॉलिसी में ऑलरेडी वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी देता है, यानी कि मान लीजिए आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान, तो आपको कोई भी प्रीमियम और नहीं देना होगा। मैक्स की ऑनलाइन पॉलिसी में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, पर वो आपको अलग से खरीदना होगा। और LIC की ऑनलाइन पॉलिसी, जो कि मार्केट में बहुत नई पॉलिसी लॉन्च हुई है, फिलहाल ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब डिस्कस करते हैं अवेलेबल पे आउट ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है फिक्स सम अश्योर्ड, जो कि तीनों में अवेलेबल है। दूसरा है फिक्स सम अश्योर्ड प्लस रेगुलर मंथली इनकम, जो कि ICICI और मैक्स में अवेलेबल है। तीसरा है फिक्स सम अश्योर्ड प्लस इंक्रीजिंग मंथली इनकम, जो कि सिर्फ मैक्स में अवेलेबल है। चौथा है ओनली मंथली इनकम, जो कि मैक्स और ICICI में अवेलेबल है। पांचवा है इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड, यहाँ पे हर साल आपका सम अश्योर्ड 5 या 10% सिंपल इंटरेस्ट से हर साल बढ़ता रहता है, जब तक कि वो डबल नहीं हो जाता। ये प्लान आपको LIC और मैक्स में मिल जाएगा। आप अपनी सहूलियत या फैमिली कंडीशन के हिसाब से पे आउट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि इन तीनों कंपनीज में ज़्यादातर ऑप्शंस एक जैसे हैं। अगर हम सिर्फ प्रीमियम की बात करें तो लोएस्ट है मैक्स में और सबसे ज़्यादा है LIC में, जबकि मैंने जो पॉलिसी कंपेयर करी है LIC टेक टर्म, वो LIC की सबसे सस्ती पॉलिसी है, क्योंकि वो आप ऑनलाइन ले रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें, तो हमारे चैनल फिन हब को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।